गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अपना ऑलमोस्ट 10th वाला सिलेबस जो आना है पेपर में वो तो हो गया है। आज 9th वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे, कोलाइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ, अभी एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। जिस तरह से ना मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन स्टेट को छोड़ के मेनली जो हम बोलते हैं 3 स्टेट, सोलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, सेम उसी तरह से सोल्यूशन की भी 3 स्टेट बताई गई है। सोल्यूशन की भी 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है ट्रू सोल्यूशन, एक होता है कोलोइडियल सोल्यूशन जिन्हें कोलोइडियल्स बोलते हैं, और थर्ड वन है सस्पेंशन। जिस तरह से बताया कि मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, वैसे सोल्यूशन की भी 3 स्टेट्स होती हैं। ये स्टेट्स है किसके अकॉर्डिंग? सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग। अगर एक सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल की साइज, एक सोल्यूशन में जो सोल्यूट है अगर उस पार्टिकल की साइज क्या हो, लेस देन 1 नैनोमीटर, पार्टिकल बहुत स्मॉल साइज का हो, पार्टिकल की साइज क्या हो, लेस देन 1 नैनोमीटर, ये मिक्स होके एक ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्यूशन बनाएगा। कैसा बनेगा सोल्यूशन? ट्रांसपेरेंट। सुगर सोल्यूशन, NaCl सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन, है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रू सोल्यूशन। जहां पे ट्रू सोल्यूशन होता है वहां पे ओनली वर्ड सोल्यूशन लिखते हैं। जैसे हम बोले सोल्यूशन तो किसकी बात करते हैं? ट्रू सोल्यूशन की। पार्टिकल्स कैसे होंगे वहां पे? लेस देन 1 नैनोमीटर। सोल्यूशन कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, स्टेबल सोल्यूशन होगा, पार्टिकल्स की साइज इतनी स्मॉल होती है कि कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इन पार्टिकल्स को हम फिजिकल मेथड से इजिली फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। मेन बात एक और ध्यान रखना, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज बेटा इतनी स्मॉल होती है कि दैट कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज कैन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पार्टिकल्स हैं ना वो फिल्टर पेपर में से SPM में से इजिली क्या हो सकते हैं? पास आउट। दूसरी बात, कोलाइडियल्स क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल की साइज कितनी हो? बिटवीन 10 angstrom टू 10,000 angstrom, राइट? और यू कैन से बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1,000 नैनोमीटर। ये कई बार ऑप्शन देते हैं कि साइज ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल इज इन द रेंज, नैनोमीटर में ऑप्शन देते हैं, एंगस्ट्रोम में ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मीटर में बोल दे 1 नैनोमीटर इज 10^-9 मीटर, 1000 कह दे तो 10^-9 मीटर टू द 10^-6 मीटर। पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो तो कोलाइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो पार्टिकल्स है ना इनकी साइज बेटा इतनी होती है कि दीज कैन पास थ्रू द नॉर्मल फिल्टर पेपर। ये नॉर्मली फिल्टर पेपर में से पास आउट हो सकता है बट कैन नॉट पास आउट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। SPM में से पास आउट नहीं होगा, पार्टिकल सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन। जो फॉर एग्जांपल स्मोक है, डस्ट है, सेल फ्लूइड है, वो एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है। ब्लड है, ब्लड इज ए कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे पार्टिकल की साइज इस रेंज में हो, फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा बट नॉट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये भी एक मिक्सर है, सोल्यूशन इज ए मिक्सर। सोल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सर। तो ट्रू सोल्यूशन भी मिक्सर है, कोलाइडियल सोल्यूशन भी एक मिक्सर है। डिफरेंस क्या है? ट्रू सोल्यूशन जिसे हम ओनली सोल्यूशन बोलते हैं, इट इज होमोजेनियस मिक्सर। कैसे मिक्सर बेटा? ये ग्लूकोज सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन कैसे मिक्सर है? होमोजेनियस। जबकि मिल्क है, ब्लड है, ये कैसे, या स्मोक, डस्ट, ये कैसे मिक्सर है? हिट्रोजेनियस। ये कैसे मिक्सर है? हिट्रोजेनियस। नाउ थर्ड वन इज सस्पेंशन। अगर एक मिक्सर में सोल्यूट पार्टिकल्स की साइज 1000 नैनोमीटर से भी लार्ज हो, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, पार्टिकल्स की ना सोल्यूट सॉल्वेंट के अलग से दो लेयर बन जाएंगी, अलग से दिखाई देगा सॉल्वेंट और सोल्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर क्या है? सस्पेंशन। ऑयल इन वाटर क्या है? सस्पेंशन। कैन बी इजिली सीन विद नेक्ड आइज। ठीक है, यहाँ पे जो सस्पेंशन है ना ये किस तरह का मिक्सर है? हेट्रोजीनियस। पार्टिकल की साइज बेटा इतनी बड़ी है कि दैट कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज इट कैन नॉट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
अब सुनो एक बार बात ध्यान से, जैसे हम बोलते हैं कि जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो, शेप वॉल्यूम डेफिनेट हो, उन्हें सोलिड स्टेट बोलते हैं। ये कहते हैं वॉल्यूम डेफिनेट है बट शेप इज नॉट डेफिनेट, पार्टिकल थोड़ी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, लिक्विड स्टेट, नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम कुछ भी डेफिनेट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, उसे गैस स्टेट बोलते हैं। सेम इसी तरह से सोल्यूशन की भी थ्री स्टेट्स हैं। अगर किसी सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल हो, पार्टिकल SPM फिल्टर पेपर में पास हो जाए, सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर सॉल्यूशन हो, होमोजीनियस मिक्सर हो, तो बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और अगर पार्टिकल के साइज इस रेंज में हो, SPM में से पास नहीं हो सकता पर फिल्टर पेपर में से पास हो जाए, ट्रांसल्यूसेंट हो सॉल्यूशन, ट्रांसल्यूसेंट नॉट ट्रांसपेरेंट, कैसा हो ट्रांसल्यूसेंट, तो क्या बोलते हैं कोलाइडियल। और अगर पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से भी लार्ज हो, ओपेक होगा, ना ट्रांसपेरेंट है ना ट्रांसल्यूसेंट है, फिल्टर पेपर में से SPM में से पार्टिकल पास नहीं हो पाएंगे, तो क्या बोलते हैं उसको सस्पेंशन। ठीक है, अब ये कहा जाए कि CO2 इज ए गैस, या मैं कहूं CO2 इज ए गैसियस स्टेट, कौन सी बात सही है, CO2 इज ए गैस ये बात सही है या CO2 इज इन गैसियस स्टेट ये बात सही है। बट CO2 तो एक सब्सटेंस है, वो CO2 एक सॉलिड भी हो सकता है और वो CO2 एक गैस भी हो सकता है, तो जरा एक्यूरेसी पे है, तो CO2 इज गैस मतलब CO2 इज इन गैसियस स्टेट, CO2 गैसियस स्टेट में, अगर हम बोल रहे CO2 इज ए गैस तो मतलब CO2 गैसियस स्टेट में है। ये CO2 तो सॉलिड भी हो सकता है, CO2 इज ए सॉलिड, तो इसका मतलब उस टाइम CO2 अपने सॉलिड स्टेट में है, जैसे आप क्या बोलते हो ड्राई आइस, सेम ऐसे ही। अब आपसे पूछा जाए, हम कोलाइडियल्स पे आ रहे हैं, कि कोलाइडियल इज ए स्टेट ऑफ सॉल्यूशन और इट इज ए सब्सटेंस, कोलाइडियल एक सब्सटेंस होता है या स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, ये बताओ। कोलाइडियल आपको स्टेटमेंट देते जाए, कोलाइडियल इज ए सब्सटेंस और कोलाइडियल इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस, विच इज एक्यूरेट। बेटा एक्यूरेसी कहाँ पे, कोलाइडियल इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस जब कोलाइडियल बोला जाएगा जिस टाइम उसके पार्टिकल की साइज इस रेंज में हो, इस रेंज में हो, ठीक है, पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से पास हो उसके बट नॉट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसे क्या बोलेंगे, नाउ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द कोलाइडियल स्टेट, तो कोलाइडियल इज नॉट सब्सटेंस, कोलाइडियल इज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कोलाइडियल इज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। देखो ये कह देता है कि व्हेन NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म ए क्लियर सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट बनता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, पार्टिकल कैन पास थ्रू द SPM एज वेल एज थ्रू फिल्टर पेपर, व्हेन दिस NaCl डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, बेटा सॉल्वेंट चेंज कर दिया, सब्सटेंस तो वही है, बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया, न पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू SPM बट कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा, तो NaCl इज अ कोलाइडियल सब्सटेंस या नाउ NaCl इज इन कोलाइडियल स्टेट, आप क्या कहोगे, NaCl कोलाइडियल सब्सटेंस है या जब NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व किया उस टाइम ये कोलाइडियल स्टेट में, तो NaCl अगर बेटा कोलाइडियल सब्सटेंस होता तो ये भी यहां पर भी कोलाइडियल होता, यहां पर भी कोलाइडियल होता। ये होती है पार्टिकल की साइज, कि जब बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, जब इसके पार्टिकल 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करते हैं, तो जब NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व किया उस टाइम में अपनी कौन सी स्टेट में है, कोलाइडियल स्टेट में। हम सोप की बात करें, अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोप कैन पास थ्रू SPM, साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो अब आपसे पूछे कि सोप इज कोलाइडियल और नॉट, तो भाई सोप कोलाइडियल हो भी सकता है सोप नहीं भी, प्लस वो कोलाइडियल स्टेट होती है स्टेट, अगर हम क्या करें सोप की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, डाइल्यूट सॉल्यूशन ना लेके क्या ले लें हम, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोप, तो अब इस पार्टिकल की साइज बेटा 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गई, अब ये SPM में से पास नहीं हो पाएगा, तो नाउ सोप इज इन कोलाइडियल स्टेट, कि जब हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया उस टाइम सोप की स्टेट में अपने कोलाइडियल स्टेट में, और डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो तो भी अपने कोलाइडियल स्टेट में नहीं है, ये पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल है।
अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोप ले, आपने पढ़ा भी नाइन्थ में, इट विल एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट. क्या टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट करेगा? नहीं करेगा. दैट विल एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट, ये एग्जिबिट करेगा. A very dilute solution of soap is not colloidal state. Concentrated solution of is colloidal state. तो अब colloidal से क्या समझे? कभी भी किसी solution में अगर solute particle की size 1 nanometer से 1000 nanometer के बीच में lie करे, तो ये बोल दिया जाएगा कि that substance now present in colloidal state. ठीक? Colloidals are the solution where the particles are lies in this range. इस range में solute particle. अब बेटा colloidal solution कोई बोल देते हैं colloidal dispersion. एक ही बात है. Colloidal solution बोल दे या क्या बोल दे? Colloidal dispersion. Normally जब true solution होता है, true solution समझ गए, जैसे हम only solution बोलते हैं ना, क्या होता है? True solution, homogeneous mixture. जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं सोल्यूट सोलवेंट. यहाँ पे ज्यादातर वर्ड दो यूज करेंगे, क्या क्या बताइए? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. सोल्यूट इज कोरस्पोंडिंग टू द टर्म डिस्पर्स फेज. और जहां पे फ्लो कर रहा है वो पार्टिकल्स, कोलाइडियल पार्टिकल्स जिनकी साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच है, वो जहां मूव कर रहे हैं जिस मीडियम में, वो एयर है या वाटर है जो भी है, वो क्या कहलाता है? डिस्पर्सन मीडियम. तो सॉल्वेंट इज कोरस्पोंडिंग टू द टर्म डिस्पर्सन मीडियम. राइट बेटा, तो ये यहाँ पे क्या बता दिया? कोलाइडियल में क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम. ठीक है, अब अपना मेन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ अभी. क्वेश्चन तो पीछे जो बताया उसमें से बन सकता है कोई. ठीक है, जैसे अब ये पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैडियल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. क्लैडियल सॉल्यूशंस को बेटा तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है. एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, एक अपॉन द बेस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल, और एक जो आज एक ही डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स. बेटा मैं डीपी लिखू तो डिस्पर्स फेज, डीपी लिख दू ना तो डिस्पर्स फेज, और सॉल्ट में डीएम लिख दू तो डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्स फेज तो सोल्यूट पार्टिकल है जिनकी साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, और जब वो फ्लो करने लग रहे हैं वो क्या है? डिस्पर्सन मीडियम. ठीक है, जैसे स्मोक की बात करें, स्मोक तो स्मोक में क्या होता है? अनबर्नड कार्बन. तो जो अनबर्नड कार्बन है, जो ब्लैक कलर के पार्टिकल है, वो तो है डिस्पर्स फेज, और वो एयर में मूव करने लग रहा है, वो एयर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम. ठीक है, जैसे हम कहे NaCl इन बेंजीन, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो बेंजीन में NaCl कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, आयन सेपरेट आउट नहीं हो पाई, तो पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी रह गई. तो ये NaCl है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो ये NaCl तो है डिस्पर्स फेज, और जहां पे मूव कर रहा है बेंजीन में, वो बेंजीन क्या है? डिस्पर्सन मीडियम. तो नाउ वी क्लासिफाई क्लाइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. बेटा एक सॉल्यूशन में, क्लाइडियल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज है ना, दैट मे बी क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. डिस्पर्सन मीडियम आल्सो मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो अब उनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन को क्या क्या नाम दिया जाता है? क्लाइडियल सॉल्यूशन का एक स्पेशल नेम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. एक ऐसा क्लाइडियल डिस्पर्सन जिसमें क्या हो? सॉलिड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, तो उसे क्या बोलते हैं? नेम ऑफ क्लाइडियल डिस्पर्सन, क्लाइडियल सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? क्या कहा जाएगा इसे? सॉलिड सोल. क्या बोला जाएगा इसे? सॉलिड सोल. ए क्लाइडियल डिस्पर्सन इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर इन सॉलिड स्टेट, क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल. फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल पूछ ले बेटा आपको, ये एग्जाम्पल, ये टेबल पूरी याद रखनी है, यहाँ आपको पता भी है, ये पूरा नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी में ही आनी है, ये सारा अच्छे से याद रखना है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है. कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड ग्लासेस,
ग्रीन कलर्ड ग्लास है या ब्लू कलर्ड ग्लासेस है जो घर में भी शीशे लगाए होते हैं, ठीक है। जेम स्टोन, जेम स्टोन समझ गए होंगे आप, ये जो पहनते हैं ना, हाथ में पहनते रहते हैं, रूबी, टोपेज, इमराल्ड है ना, नीलम, पन्ना, ये जेम स्टोन जो ये पहनते हैं, ये जेम स्टोन भी क्या है, कोलाइडल डिस्पर्शन, राइट। तो क्वेश्चन क्या समझेगा कि जेम स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या फिजिकल स्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सॉलिड सोल उसमें ऑप्शन दे देगा, सोल, जिम, इमल्सन, जेल ऐसे। जेम स्टोन में फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो सोलिड डिस्पर्स इन सोलिड। अगर अलॉय की बात करें तो अलॉयज जैसे ब्रास, ब्रोंज, जो भी बात करें तो उसमें भी तो मेटल्स हैं, मेटल्स का बेटा मिक्स ही तो है, सॉलिड सॉलिड का मिक्स ही तो है, तो अलॉय यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज अलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर, अलॉय का एक ट्रू सॉल्यूशन, अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन है, और ये जेम स्टोन है या कलर्ड ग्लासेस है, ये कैसा मिक्सचर है, हिट्रोजीनियस, कैसा है ये बेटा, हिट्रोजीनियस, ठीक है। अच्छा, डिस्पर्स फेज और सॉलिड, और बेटा मीडियम और लिक्विड, सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया जाए, सॉलिड इन लिक्विड, तो उसे क्या बोलते हैं, सोल, सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड, क्या बोलते हैं उसे, सोल। फॉर एग्जाम्पल सेल फ्लूड, जो सेल में फ्लूड होता है, जो सेल में फ्लूड होता है वो किसका एग्जाम्पल है, सोल का, ठीक है। पेंट्स, कहते हैं पेंट, पेंट किसका एग्जाम्पल है, पेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सोल, पेंट में क्या है, डिस्पर्स फेज सॉलिड और मीडियम लिक्विड, ऐसे डिस्पर्स फेज और सॉलिड और मीडियम क्या हो, गैस, सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, इसे बोलते हैं एरोसोल, क्या बोलते हैं, एरोसोल, एरोसोल मतलब एक ऐसा सोल, सोल में क्या होता है, सोलिड डिस्पर्स होता है, पर अगर मीडियम लिक्विड हो तो सोल बोलते हैं, और मीडियम एयर है, गैस, मीडियम क्या है यहाँ पे, गैस, मीडियम गैस हो क्या बोलते हैं इसको, एरोसोल। सोलिड लिक्विड में डिस्पर्स हो तो सोल, और सोलिड अगर एयर में डिस्पर्स हो, गैस में डिस्पर्स हो, तो क्या बोलते हैं इसे, एरोसोल, ठीक है। एरोसोल मीन्स डिस्पर्सन, मीडियम इज एयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे बताते स्मोक, स्मोक बेटा अनबर्न कार्बन है, वो तो डिस्पर्स फेज, और मुंह कर रहा है एयर में, डस्ट है, ठीक, वो क्या हो गया यहाँ पे, डस्ट है, वो क्या हो गया, डिस्पर्स फेज, और मीडियम क्या हो गया यहाँ पे, जो डस्ट पार्टिकल हो तो फेज, सॉलिड, और मीडियम क्या हो गया, एयर। तो सॉलिड डिस्पर्सन, सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, और सॉलिड इन गैस, ये तीन टाइप के एग्जाम्पल हो गए, स्मोक डस्ट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नाउ लिक्विड डिस्पर्स इन सॉलिड, लिक्विड किस में डिस्पर्स, सॉलिड में, लिक्विड इन सॉलिड, तो उसे बोलते हैं जेल। देखो सोल और जेल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जेल, जेली, जैम टाइप का, ठीक है। तो जेल के एग्जांपल से बटर हो गया, बटर है, या पनीर, चीज बोलते हैं, बटर है या पनीर है, किसके एग्जांपल हो गया, जेल का, ठीक है। अब बटर में, बटर, बटर में थोड़ा सा रूम टेम्परेचर की बात करें तो इमल्सन में चला जाता है ये, थोड़ा अगर लो टेम्परेचर हो तब तो जेल टाइप में बोल देते हैं, और बाकी अगर इसमें थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर की बात आए ना तो किस में ले लेते हैं, इसको इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में क्या हो जाता है, मेल्ट होकर फ्लो करने लग जाता है, तो इमल्सन में चला जाता है एग्जांपल। तो चीज है, चीज ये बेटर एग्जांपल, चीज ले लें, जेलीज ले लें, ये किसके एग्जांपल हो गए, जेलीज और चीज, जेल के, ठीक। अगर लिक्विड डिस्पर्स और लिक्विड में, लिक्विड इन लिक्विड, जहां पे डिस्पर्स फेज भी, दो लिक्विड्स का हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दो लिक्विड्स का हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, इमल्सन। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन थोड़ा बन जाते हैं ज्यादा, इमल्सन से, इमल्सन से। फॉर एग्जांपल मिल्क इज इमल्सन, फेस क्रीम इज इमल्सन, ठीक है। डिटोल का सॉल्यूशन जो होता है, लाइजोल है, वो क्या है, इमल्सन। लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड, ये कहते हैं जी एल्कोहल और वाटर मिक्स कर दिया, पैक बना लिया, पैक एल्कोहल और वाटर मिक्स करके, ठीक है, और वो पैक जो बना एल्कोहल वाटर का मिक्सचर, वो इमल्सन है, नहीं। एल्कोहल वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इजीली क्या होता है, पूरा कंप्लीटली मिक्स। एल्कोहल में ये पार्ट होता है ROH, और अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ले क्या करने लगे, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, जो पैक बनेगा ना वो तैयार होके, एल्कोहल वाटर का क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक। और बेटा अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क में फैट इन वाटर, वो कैसे मिक्सर है, हिट्रोजीनियस। तो इमल्सन इज द मिक्सर ऑफ द टू लिक्विड्स, विच टाइप ऑफ मिक्सचर, हिट्रोजीनियस, सारे हिट्रोजीनियस है, क्लाइडियल सारे हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक।
नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, देखो चाहे सॉलिड डिस्पर्स हो गैस में या लिक्विड डिस्पर्स हो गैस में क्या कहलाता है बेटा एरोसोल। तो व्हाट इज एरोसोल, एरोसोल इज ए कोलाइडियल डिस्पर्सन इन विच सॉलिड या लिक्विड डिस्पर्स इन गैस, ठीक ये एरोसोल होता है। अब नेक्स्ट अगर इसके एग्जांपल ले तो फॉग है या मिस्ट है, वो किसके एग्जांपल है, या इंसेक्टिसाइड स्प्रे है, ठीक है टेबल बना के मैं भेज दूंगी आप थोड़ा ध्यान रखना, ये सारे किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल थोड़े इंपॉर्टेंट है, किसके है ये एरोसोल। नेक्स्ट गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, गैस किसमें डिस्पर्स्ड हो सॉलिड में, गैस इन सॉलिड उसे बोलते हैं बेटा सॉलिड फॉर्म, क्या बोलते हैं सॉलिड फॉर्म, जैसे फोम रबड़ फोम की जो सीट होती है वो किससे बनी होती है सॉलिड से, और उसके पोर्स में बीच में क्या भर जाती है एयर, तो गैस इन सॉलिड क्या बोलते हैं सॉलिड फोम, तो फोम सीट बोलते हैं, फोम रबड़ बोलते हैं, या प्यूमाइस स्टोन ये गर्ल्स को पता होगा, ये डेड स्किन निकालने के लिए यूज करते हैं, रब करते प्यूमाइस स्टोन मेडिक्योर पेडिक्योर में, मैनिक्योर पेडिक्योर क्या बोलते हो, गैस इन लिक्विड, गैस डिस्पर्स इन लिक्विड क्या बोलते हैं इसे फोम, सोप लेदर ये एग्जांपल है, सेविंग क्रीम कह दे, सेविंग क्रीम लिख दे या तो व्हिप्ड क्रीम लिख दे या फिर क्या लिख दे सेविंग क्रीम, ठीक या फिर क्या लिख दे सोप लेदर, ये किसका एग्जाम्पल है जी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फोम, फोम का एग्जाम्पल है, इन विच डिस्पर्स फेज इज गैस और मीडियम इज लिक्विड। जो सोप लेदर है वो बना हुआ किसका, वो आउटर का और पूरा किसका बना हुआ लिक्विड का बना हुआ बेटा, और उसके अंदर क्या भरी होती है गैस, तो गैस डिस्पर्स इन लिक्विड। सेविंग क्रीम है जो उसके बनते हैं झाग से बनते हैं फ्रोथ से बनते हैं, किसका बना हुआ लिक्विड का, उसके अंदर क्या भरी होती है एयर, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोम। ये टेबल अच्छे से याद कर ले ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट इमल्सन, बड़ा इंपॉर्टेंट है इमल्सन। इमल्सन दो टाइप का होता है, एक तो होता है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, एक होता है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। मतलब अगर इमल्सन में ऑयल है ना, ये ऑयल भी लिक्विड है, इमल्सन ऐसे दो लिक्विड्स का मिक्सचर जिसमें एक अगर नॉन पोलर है तो दूसरा क्या हो पोलर। बेटा ऑयल की अगर अमाउंट कम है, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, नॉन पोलर अगर कम है तो बोलते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन। जैसे मिल्क है ना, मिल्क कैसे इमल्सन है, ऑयल इन वाटर। या वैनिसिंग क्रीम जो गर्मियों में फेस पे लगाते हैं, वैनिसिंग क्रीम, ठीक है। कोल्ड क्रीम को तो कोल्ड क्रीम जो लगाते हैं सर्दियों में, कोल्ड क्रीम में मॉइस्चर को ज्यादा करने के लिए ऑयल ज्यादा होता है, कोल्ड क्रीम में किसकी अमाउंट ज्यादा होती है ऑयल की, तो कोल्ड क्रीम किसका इमल्सन है वाटर इन ऑयल, ऑयल ज्यादा हो तो वाटर इन ऑयल, और अगर वाटर ज्यादा हो मिल्क में, वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है तो मिल्क किसका एग्जांपल हो गया ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, ठीक। इस इमल्सन के बारे में अगर शैम्पू के बारे में पूछ लिया कि शैम्पू बताओ जी किस टाइप का इमल्सन है, कैसे पता लगता है किस टाइप का इमल्सन है, ये इमल्सन वाला थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पता लगाना होगा जी कौन से टाइप का इमल्सन है, क्या अपने पास पता लगाने का तरीका है, तो इमल्सन जैसे मिल्क के बारे में पता लगाना है, तो मिल्क लिया और मिल्क में ना कुछ ड्रॉप्स वाटर डाल दे, हमने वाटर की ड्रॉप डाली और वो कम्प्लीटली डिसअपियर होगा, पता भी नहीं चलेगा, मतलब क्या होगा कम्प्लीटली उसे मिक्स हो गया। अगर मिल्क में वाटर डालने तो अलग से लेयर तो नहीं बनेगी ना, पूरा उसे मिक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब उसे वाटर की अमाउंट ज्यादा है, जिस चीज के आपने जिस लिक्विड की ड्रॉप डाली और वो पूरा डिसअपियर होगा, इसका मतलब वही वहां पे क्या है डिस्पर्सन मीडियम। तो मिल्क कैसे इमल्सन है ऑयल इन वाटर, अगर मैं मिल्क में ऑयल की ड्रॉप डालूं तो ऊपर लेयर बन जाएगी, तो इसका मतलब ऑयल डिसअपियर नहीं हुआ, तो ऑयल कम है, जो आप लिक्विड डालो और पूरा डिसअपियर हो जाए वो वहां पे डिस्पर्सन मीडियम है। बात करें कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल, तो कोड लीवर ऑयल ले लें, इसमें अगर कुछ ड्रॉप्स वाटर के डाले वाटर की, तो वाटर अलग से दिखाई देगा, ऊपर लेयर बन जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट आगे ऊपर से दिखाई देंगे, और इसमें ऑयल डाल दूं मैं, इसमें कोकोनट ऑयल डाल दो, मस्टर्ड ऑयल डाल दो, तो पूरा मिक्स हो जाएगा इसमें। तो जहां पे जो आप लिक्विड डाल रहे हो और जो डालने पे डिसअपियर हो गया, वो चीज क्या है यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम। तो कोड लीवर ऑयल इज द विच टाइप ऑफ इमल्सन, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन, ठीक है। ऐसे आप पूछ ले जाए कि मैंने एक इमल्सन में इलेक्ट्रोलाइट डाला, NaCl डाला और कंडक्टेंस बढ़ गई,
तो बट अगर कंडक्टेंस बढ़ गई तो कंडक्टेंस होती है ड्यू टू फ्लो फाइन। तो अगर इमल्सन में इलेक्ट्रोलाइट के डालने से कंडक्टेंस बढ़ जाए तो उसमें डिस्पर्सन मीडियम वाटर है। अगर कंडक्टेंस बढ़ जाए तो डिस्पर्सन मीडियम क्या है? वाटर। क्योंकि वाटर में तो आयंस आयनाइज होके मूव करेंगे, NaCl ऑयल में तो आयनाइज होगा नहीं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट डाले कंडक्टेंस बढ़ गई तो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, अदरवाइज अगर कंडक्टेंस नहीं बढ़ी यूं की यूं है तो वाटर इन ऑयल। एग्जाम्पल दे दे, शैम्पू है, डिटोल है, लाइजोल है, बताओ जी किस टाइप की इमल्सन है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल? मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछूंगी बातें, ठीक है? ये ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल वाले से क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक्स।